हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल हेल्थ क्लेम फॉर्म ऑफ चोला एमएस इंश्योरेंस। आप लोग हेल्थ क्लेम फॉर्म कैसे भर सकते हो चोला एमएस का, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा चोला एमएस का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म। अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड टू चोला एमएस, ठीक है, तो आप लोग को ये फॉर्म भरना है और आप लोग को सबमिट करना है और आप लोग को इस एड्रेस में भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लेम फॉर्म पार्ट ए टू बी फिल्ड बाय द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड ये वाला पार्ट भरेगा, ठीक है। डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड, प्राइमरी इंश्योर्ड जो है ये वाला पार्ट भरने वाला है, उसका डिटेल सब रहेगा। पॉलिसी नंबर ये आप लोग को मिल जाएगा ईमेल एड्रेस में, एसएमएस के थ्रू, या फिर आप लोग जहाँ से लिए होंगे कोई एजेंट के थ्रू उसके थ्रू आप लोग पा सकते हो, या फिर अगर पॉलिसी बाजार के थ्रू लिए हो तो उधर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। एसएल नंबर ये आप लोग स्किप कर सकते हो। मेंबरशिप नंबर, अगर कोई मेंबरशिप नंबर है तो यहाँ पे भरना है। फिर नेम, यहाँ पे आप लोग को नेम लिखना है, और फिर एड्रेस, और फिर सिटी, और फिर स्टेट, फिर पिन कोड, और फिर फोन नंबर, और फिर ईमेल आईडी, और एडिशनल डिटेल इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल करेंटली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस, येस और नो में आंसर देना है। अगर आप लोग दूसरा कोई हेल्थ इंश्योरेंस लियो तो येस और नो में आंसर देना है, ठीक। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट इंश्योरेंस विदाउट ब्रेक, यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है। कॉपी ऑफ पॉलिसीज टू बी अटेस्ट, इफ यस कंपनी का नेम लिखना है, ठीक है, और फिर पॉलिसी नंबर लिखना है जो भी आप लोग लिए हो कोई भी दूसरा मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस। फिर सम इंश्योर्ड जो भी है, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। हैव यू बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन द लास्ट 4 ईयर, येस और नो में आंसर देना है। अगर लास्ट 4 साल में कभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हुए हो तो येस और नो में आंसर लिखना है। और फिर डेट यहाँ पे आप लोग को लिखना है, और फिर क्या डायग्नोसिस हुआ था यहाँ पे आप लोग को डिजीज का नाम लिखना है। प्रीवियसली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे भी येस और नो में आंसर लिखना है, ठीक है। इफ येस कंपनी का नाम इधर आप लोग को लिखना है, ठीक है। फिर डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड, यहाँ पे डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन जो है यहाँ पे रहेगा, नेम, फिर जेंडर मेल या फीमेल, एज ईयर्स में लिखना है, मंथ्स में लिखना है, या आप लोग को कैलकुलेट करके लिखना है, ठीक है। ऑनलाइन कैलकुलेटर भी मिल जाता है। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, अगर आप लोग खुद से ये फॉर्म भर रहे हो तो सेल्फ लिखना है, अगर आपके लिए दूसरा कोई भर रहा है तो यहाँ पे आप लोग भर सकते हो, और अगर आउट ऑफ रिलेशनशिप भी है तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशन, सर्विस, सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। अगर और कुछ करते हो तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। फिर एड्रेस आप लोग को यहाँ पे लिखना है, फिर सिटी, स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आप लोग को दे देना है। फिर डिटेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, कहाँ पे आप लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे यहाँ पे पूरा डिटेल रहेगा। नेम ऑफ हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस आप लोग को लिख देना है। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, डे केयर है, सुइट है, डिलक्स रूम है, सिंगल ऑक्यूपेंसी, ट्विन शेयरिंग, 3 or more beds पर रूम, अदर्स, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजुरी, इलनेस, मैटरनिटी जो भी है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। फिर डेट ऑफ इंजुरी और डेट ऑफ डिजीज फर्स्ट डिटेक्टेड, यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है, DDMM YY फॉर्मेट में लिखना है। फिर डेट ऑफ एडमिशन, कब आप लोग एडमिट हुए थे, DDMM YY, और किस टाइम में आप लोग एडमिट हुए थे, डेट ऑफ डिस्चार्ज भी उसी तरह DDMM YY फॉर्मेट में लिखना है। और फिर टाइम इधर आप लोग को लिख देना है कौन सा टाइम में आप लोग एडमिट हुए थे। इफ इंजुरी गिव कॉज, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था, रोड ट्रैफिक था, या फिर सब्सटेंस अब्यूज और अल्कोहल कंजप्शन जो भी है यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। और ध्यान रखने वाला बात है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड में मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं मिलता है, 50-50 का मान के चलो, और सब्सटेंस अब्यूज में टोटली नहीं मिलने वाला है, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में 100% क्लेम मिलता है अगर प्रूफ के साथ आप लोग दिखाते हो तो, ठीक है। अगर मेडिको लीगल केस है, मतलब कोई भी पुलिस केस है, तो येस और नो में आंसर लिखना है। अगर येस है तो रिपोर्ट टू पुलिस, पुलिस को रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, येस और नो में आंसर लिखना है। एमएलसी रिपोर्ट एंड एफआईआर अटेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, येस और नो में लिखना है। सिस्टम ऑफ मेडिसिन लिखना है, फिर टाइप ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इमरजेंसी या प्लान, या फिर प्लांट यहाँ पे आप लोग को लिखना है, ठीक है। और फिर डिटेल ऑफ क्लेम, हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस लिखना है, पोस्ट का मतलब प्री मतलब हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले, पोस्ट मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, एम्बुलेंस चार्जेस कुछ है तो, ओपीडी डेंटल के लिए, आई चेकअप कॉस्ट, अदर्स में कोड दिया गया उधर आप लोग कोड एंटर करके यहाँ पे आप लोग को क्लेम लिखना है, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, हेल्थ चेकअप कॉस्ट, एक्सटर्नल एड, ओपीडी, माइनर डेली कैश, ठीक है। फिर टोटल यहाँ पे आप लोग को लिख देना है, और प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड मतलब हॉस्पिटलाइजेशन होने का पहले कितना डेज था, पोस्ट मतलब, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन के होने के बाद। फिर क्लेम फॉर डोमिसाइली हॉस्पिटलाइजेशन, येस और नो में आंसर लिखना है। अगर आप लोग घर में हॉस्पिटलाइज हुए थे तो यहाँ पे आप लोग वो भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। फिर डिटेल ऑफ लॉमसम और कैश बेनिफिट क्लेम, यहाँ पे आप लोग को सब यहाँ पे लिखना है, जो भी अमाउंट है यहाँ पे आप लोग को लिख देना है, और फिर टोटल कर देना है। और क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड, यहाँ पे आप लोग को टिक करना है जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट देना चाहते हो तो, ठीक है। और ध्यान रखने वाला बात है, अगर आप लोग देते हो, अगर आप लोग क्लेम करते हो तो 100% आप लोग को ओरिजिनल देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना है।
अगर आप लोग डुप्लीकेट देते हो तो क्लेम रिजेक्ट हो जाने का चांसेस बढ़ जाता है। फिर डिटेल ऑफ बिल इंक्लूड, यहाँ पे जो भी आप लोग बिल सबमिट कर रहे हो वहाँ पे बिल नंबर रहता है, उसको यहाँ पे लिखना है, डेट लिखना है, इशूड बाय, फिर हॉस्पिटल का मेन बिल, प्री पोस्ट फार्मेसी बिल, ये सब आप लोग को लिखना है, और फिर अमाउंट आप लोग को लिख के यहाँ पे टोटल लिख देना है, ठीक है। डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट, यहाँ पे पैन नंबर रहेगा प्राइमरी का, फिर अकाउंट नंबर, बैंक नेम एंड ब्रांच नेम, चेक और डीडी पेबल डिटेल, आईएफएससी कोड, यहाँ पे सब आप लोग को सही तरीके से देना है, ठीक है। और डिक्लेरेशन बाय द इंश्योर्ड, यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है, ठीक है, फिर प्लेस, और फिर सिग्नेचर करना है इंश्योर्ड का। और अगर आप लोग गाइडेंस चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, गाइडेंस भी मिल जाता है, ठीक है, तो आप लोग पॉज करके एक बार देख सकते हो, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट बी, टू बी फिल्ड इन बाय द हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल भरेगा, इसमें आप लोग को कुछ करना नहीं है, ठीक है। आप लोग को इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाना है और ये वाला भरवाना है आप लोग को विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और इसका भी भरने का भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग चोला एमएस का हेल्थ क्लेम फॉर्म जो है भर सकते हो इजीली। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।